तो आपके सारे एरर्स फ्लैश करने लग जाते हैं, तो आप डरो मत। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत नई चीज़ दिखाऊंगा। आपने ECU फ्लैशिंग तो बहुत देखा होगा कि उसमें हम ECU निकाल के फ्लैश करते हैं, और आप रैपिड बाइक PC5 जो भी पिगी बैंक डिवाइस लगते हैं, तो ये दोनों चीज़ों का एक मिक्सचर है। ये वाला डिवाइस वो है, ये रहा ब्रेंड ट्यूनिंग का ECU फ्लैश जो हम करेंगे 2020 S1000 RR में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है ये डिवाइस। हमें ऐसा सा एक डिवाइस आता है, एक बॉक्स आता है ब्रेंड ट्यूनिंग की तरफ से। तो इस जो फ्लैश का नेम है, ये जो आता है डिवाइस, वो है ब्रेंड ट्यूनिंग। तो ये ऐसा सा बॉक्स आता है, इसको ओपन करते हैं। तो ये रहा वो डिवाइस, और इसके साथ में क्या आता है आपको सारा चीज़ें करनी है वो मैं अभी आपको इन अभी आने वाली वीडियो में दिखा दूंगा। तो इसमें एक USB केबल आती है, ये जो आप लैपटॉप से कनेक्ट करते हो इसमें, और एक ये आती है आपकी OBD केबल जो आपका बाइक में लगती है। सो अभी सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है, पूरा डाउनलोड होता है फिर ओपन होता है, फिर आपको कनेक्ट करके दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं इसमें। इंस्टॉल। सो इसमें डिवाइस कनेक्ट कर दिया है, अब हमने अभी सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया था, अब इसको कनेक्ट करते हैं बाइक के साथ। हेलमेट सही लग रहा है बोले। सो अब इसका जो बाइक का OBD पोर्ट होता है वो रियर सीट में होता है नीचे, तो अब इसको कनेक्ट करेंगे। वर्क BMW मोटरार्ड। तो इसमें सीरीज S1000 RR है, तो S1000 के लिए S सीरीज। और अब इसमें बाइक का मॉडल, सो ये है मॉडल नंबर इसका 152KW। स्विच ऑन द डैशबोर्ड। Switch off the dashboard. So, ये बार बार ये चीज चेक करता रहता है कि आपकी बैटरी एकदम प्रॉपर होनी चाहिए, बाइक की बैटरी। टास्क सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो अब इसका जो इसमें जो एक फाइल बनी होगी वो हम डाउनलोड करेंगे अपने कंप्यूटर में, और फिर उन ब्रेन ट्यूनिंग को हम मेल कर देंगे। सो अब इसमें ये वाले ऑप्शंस हाईलाइट हो गए हैं, तो अब इसमें हम करेंगे डाउनलोड फ्रॉम माय जीनियस, नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स, सर्च, नेक्स्ट, कंफर्म। सो फाइल डाउनलोड हो चुकी है डिवाइस में से। सो ये रही फाइल इसकी, तो ये रही फाइल माई जीनियस फाइल। तो अब हम ये वाली फाइल ब्रेन ट्यूनिंग को मेल करेंगे, और 48 आवर्स में हमें एक वो फॉर्म भेजेंगे जो हमें फिल करके देना है। तो मैं आपको वो वाला फॉर्म भी दिखाऊंगा, और फिर जो एक फाइल्स वो बना के भेजेंगे हम, वो भी उससे कंटिन्यू करेंगे कि बाइक को कैसे हम वो वाली फाइल्स डिवाइस में डाल के बाइक में डालते हैं। तो
सो विद इन 2 आवर्स मेरे को रिप्लाई आ गया ब्रेन ट्यूनिंग से. तो उन्होंने एक ये फॉर्म भेजा है मेरे को जो मेरे को फिल करके देना है, जिसके अकॉर्डिंगली इस बाइक का मैप बनेगा. तो इसमें बेसिकली क्या क्या है मैं ओवरऑल आपको बता देता हूँ कि मैंने कौन सा स्टेज परचेज किया हुआ है, स्टेज 1, स्टेज 2, अपना ये सारी चीज़ें, ईयर बाइक का, और कौन से फ्यूल और कौन सा फ्यूल हम बाइक में यूज़ करते हैं, लास्ट 7 डिजिट विन नंबर बाइक का भी और मॉड्यूल का भी, जिससे हम जो हैंड हेल्ड डिवाइस है और बजाज या कुछ PC5 तो नहीं लगा हुआ, O2 सेंसर्स इंस्टॉल्ड हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं, और कितना स्पार्क प्लग्स कितने पुराने हैं. तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें इनको डिटेल भर के देनी है, और फिर जब मैप आता है फिर मैं वो भी दिखाता हूँ आपको. सो इसमें जो कनेक्टिंग पाइप होता है इंजन ब्लॉकर्स का, ये तो रिमूव कर दिया है हमने. अब हम इसमें जो इसकी प्लेट्स लगे हैं वो करेंगे रिमूव. सो ये रही इंजन ब्लॉकर प्लेट्स और उनकी गैस्केट और एक जो एयर बॉक्स कवर करेगा. तो ये एल्युमिनियम प्लेट्स हैं और ये इनकी गैस्केट है जो इसके ऊपर ऐसे आएगी. हमने इंजन ब्लॉक ऑफ प्लेट का रीडर वॉल्स और ये पूरी ब्लॉक ऑफ प्लेट निकाल दी है जो स्टॉक थी, जैसे ये लगी हुई है. अब उधर हम लगाएंगे ड्रिवन की. एक ही लीटर बाइक में होता है 1000 RR में, जिसका एयर बॉक्स पूरा सील्ड होता है, ये ओपन नहीं होता, तो पूरा सिंगल पीस में ही निकलता है. सो जो ये इसका ब्रीदर लगा होता है, जो ब्रीदर से यहाँ से पाइप जा रहा होता है ब्लॉक ऑफ प्लेट्स में, अब उसको हम ये रबर ब्लॉकर से ये ब्लॉक कर देंगे. सो दोनों इंजन ब्लॉक ऑफ प्लेट्स इंस्टॉल हो चुकी हैं. अब हम वापस से इसमें एयर बॉक्स लगाएंगे और इसको पैक कर देंगे. तो इसका एयर फिल्टर बॉक्स का जो फ्रंट वाला पार्ट है, इसमें फ्रैपर वॉल्स होते हैं इसमें जो आपको दिख रहे होंगे, तो ये कैसे रिमूव करते हैं ये मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा बहुत जल्दी ही. तो इसको बस 2 स्क्रूज यहाँ लगाते हैं, ये दोनों जो सिल्वर वाले देख रहे हैं आपको, यहाँ पर 2 स्क्रूज लगाते हैं और साइड में 2 ये स्क्रूज लगाते हैं, और फिर डन, ख़त्म हो जाता है. फिर एयर बॉक्स बिठाएंगे इधर. तो इस पे हमने टैंक भी फिट कर दिया है. और कभी भी आप ऐसा काम कर रहे होते हो कोई भी, तो बैटरी टर्मिनल्स डिस्कनेक्ट कर लिया करो. सो इंजन ब्लॉक ऑफ प्लेट्स लगाने के बाद विदाउट फ्लैश के बाद ही जो इसका कोल्ड स्टार्ट है थोड़ा सा ठीक है, पर पूरी तरह ठीक नहीं है. तो एक बार जब फ्लैश कर देंगे तब भी मैं कंपेरिजन डाल दूंगा इसका. सो फाइनली फाइल आ चुकी है, जो मॉड फाइल है वो अब हम इसमें कनेक्ट करेंगे और इसको बाइक में डालेंगे. सो बस अब हम इसमें कनेक्ट कर लिया बाइक से. और मैं कभी भी कोई भी ECU का काम कर रहा होता तो मैं हमेशा बैटरी चार्जर ज़रूर लगाता हूँ, क्योंकि बैटरी बहुत ज़्यादा लोड लेती है जब भी हम की ऑन करते हैं. सो
सो ये रहा हमारा फाइल नेम, तो ECU माई जीनियस फाइल मॉड ये वाला इसमें लोड हो रहा है। और जब भी ये लोड हो रहा होता है तो आपके सारे एरर्स फ्लैश करने लग जाते हैं, तो आप डरो मत, पहले इसको कंप्लीट होने दो और फिर ये ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। सो ये कंप्लीट हो चुका है, अब इसको डिस्कनेक्ट करते हैं और बाइक को ऑन करते हैं। सो ये कोल्ड स्टार्ट कर रहे हैं हम बाइक को, तो ये 29 डिग्री सेल्सियस है अभी, मैं दिखाने के लिए कि हम कोल्ड स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो इसको बैक। सो इसके कोल्ड स्टार्ट की प्रॉब्लम तो सही होगी ज़्यादातर, पर जब मेन चलाएंगे इस बाइक को तब डिफरेंस पता चलेगा। सो जो इसका स्टेज वन कॉस्ट करता है, वो स्टेज वन समवेयर अराउंड 1 लाख के आसपास कॉस्ट करता है। वो डिपेंड करता है किस टाइम पे हम उसको इम्पोर्ट कर रहे हैं या फिर क्या वो चीज़ें डिपेंड करती हैं, क्या डॉलर प्राइस क्या चल रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लो नीचे जाके, अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक। और ऐसी वीडियोज अब रेगुलर आती रहेंगी और आपको मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।